आज हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, उसे हम बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने बेस क्वांटिटीज हैं? बेस क्वांटिटीज जो है ये 7 है। लेकिन मैकेनिक्स में सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज से ही काम चल जाता है। किसी भी तरह का मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हो, उसे हम सिर्फ 3 बेस क्वांटिटी यूज करते ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या क्या है? जैसे कि मास एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ ये एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम ये एक बेस क्वांटिटी है। देखिए, मास को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, कैपिटल एम से, चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं यहां से। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। और फिर मास, लेंथ और टाइम, दैट मीन एम, एल और टी यूज करते हुए हम किसी भी तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उन्हें रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, यहां मैं फिर से बता दूं कि 7 बेस क्वांटिटीज होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, और फिर टेम्परेचर, उसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे कि मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन चारों के बारे में अभी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में सिर्फ 3 से ही हमारा काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं हमें अब करना क्या है। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी आपको तो पता ही है क्या है। वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ऐसे ही हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, और डिवाइडेड बाय जो टाइम है, टाइम के लिए टी। तो अब हमें मिल गया जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, थोड़ा और इससे हमें आगे बढ़ना होगा। इसी को हम अब कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल टी टू द पावर -1, क्योंकि टी जो है ये डिनोमिनेटर में है। तो अब हमें क्या मिला? हमें मिला वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हमने बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया। बेस क्वांटिटी यहां पर देखिए लेंथ, और यहां पर टाइम। तो ये जो है इसे कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है, ये किसका है? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? दिस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये जो है, ये पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है, इसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ये है डायमेंशनल इक्वेशन। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि देखिए, वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? ये तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है वो हम कैसे लिखेंगे? सो वेलोसिटी का डायमेंशन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन, हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा ये है 1 dimension इन लेंथ। यहां पर देखें लेंथ टू द पावर 1 हम कह सकते हैं इसे। सो वन डायमेंशन इन लेंथ, और यहां पर देखें टाइम टू द पावर -1 है, टू द पावर -1। सो -1 या -1 डायमेंशन इन टाइम। So, dimension of velocity, velocity का जो dimension है वो है 1 dimension in length and -1 dimension in time। अब जैसे कि हमने देखा कि velocity को हमने
कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी टू द पावर नेगेटिव वन। तो यहां मास तो है नहीं, देखिए मास एम, मास तो यहां है नहीं। अगर हम मास को भी यहां पर इंसर्ट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर हम मान ले वन है, वन से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो तो वही रहता है। सो यहां पर अगर हम मान लेते हैं वन है, सो मास टू द पावर जीरो, ऑब्वियसली ये तो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ये तो वन बन जाएगा। मास टू द पावर जीरो एम टू द पावर जीरो इंटू एल टू द पावर वन इंटू टी टू द पावर माइनस वन। यहां आप वन को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए ये क्या बन गया। अब यही चीज है, यही चीज, ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये भी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इस तरह से अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करें तो हम यहां पर साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं, देखिए ये कहना मैंडेटरी ही ऐसा नहीं, ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज वन डायमेंशन इन लेंथ, नेगेटिव वन डायमेंशन इन टाइम, एंड जीरो डायमेंशन इन मास, जीरो डायमेंशन इन मास। तो हमने क्या देखा इस छोटे से पार्ट में, हमने ये देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हुए, ऐसे जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक साथ ये जो इक्वेशन बना इसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब रिप्रेजेंटेड होता है बेस क्वांटिटी के टर्म में तो उन बेस क्वांटिटीज का जो पावर रहता है, जैसे कि यहां एल टू द पावर वन है, वो जो पावर होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशन इन दैट बेस क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन की बात हम कर रहे थे तो वो डायमेंशन कितना था, वन डायमेंशन, ये वाला वन, वन डायमेंशन इन लेंथ, इस लेंथ में वन डायमेंशन, नेगेटिव वन डायमेंशन इन टाइम। तो ये हो गया डायमेंशंस, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। अब इसी नॉलेज को यूज करते हुए हम आगे मैकेनिक्स में यूज होने वाला और भी बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी जो है ये एक तरह का वेलोसिटी ही है। सो चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहां पर डायमेंशन जो होगा ये वेलोसिटी का होगा डिवाइडेड बाय टाइम के लिए टाइम वाला डायमेंशन। अब इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो ये है, चलिए एम टू द पावर जीरो को अगर नहीं लिखे तो एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन। सो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो है एल टू द पावर वन और टी टू द पावर नेगेटिव वन, और डिनोमिनेटर में फिर से टी है तो टी टू द पावर नेगेटिव टू। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के साथ यूज टू हैं, जैसे एक्सेलरेशन उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट है। वैसे आप किसी भी तरह का यूनिट को कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं एसआई यूनिट, इसीलिए मैंने यहाँ एसआई यूनिट को कंसीडर किया। सो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर क्या है, देखिए मीटर तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो सीधे आप यहाँ से कह सकते हैं मीटर के लिए ये एल, एल टू द पावर वन, और सेकंड के लिए टी, तो टी टू द पावर नेगेटिव टू, ये वाला जो नेगेटिव टू है। सो ये बन गया डायमेंशन किसका, एक्सेलरेशन का। अब आते हैं फोर्स के डायमेंशन पे। सो फोर्स अगला जो है ये है फोर्स,
सो फोर्स का डायमेंशन हम पता करेंगे। फोर्स एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। फोर्स, फोर्स है क्या? फोर्स है मास, मास इनटू एक्सेलरेशन।